देखिए आज की इस वीडियो में हम आपको क्या जैकोबाइन का पार्ट थर्ड पढ़ाएंगे, जिसमें पार्ट थर्ड में हमारा क्या पहला जो इसका क्वेश्चन ले रहे हैं, इफ यू इक्वल टू वाई स्क्वायर अपन टू एक्स और कमा वी इक्वल टू एक्स इसका वाई स्क्वायर अपन टू एक्स, और तब यहाँ पे आपका हो जाएगा फाइंड देन तब क्या है इसकी वैल्यू बताना है कितना आ जाएगा। देखिए आपको एक्सरसाइज में आपको दिया भी गया है, क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक से लिए हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा पार्ट थर्ड। देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे, आपको दिया है देन इतने के वैल्यू आपको निकालना है, यू और वी का आप पार्शली डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई। आप यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन दैट u इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपन टू एक्स एंड v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर अपन टू एक्स। लिखेंगे नाउ डेल u और v अपन डेल x, तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट में आप बनाएंगे। देखिए u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे पार्शली, एक बार x एक बार y करेंगे। देखो जैकोबाइन लिखने का तरीका यही है, डेल u लिखेंगे और डेल u यहाँ पे लिखेंगे, तो इसमें डिवाइड करेंगे क्रम से डेल x और यहाँ पे डेल y से। अब इस तरह से इसे क्या जैकोबाइन का आप यह कॉलम तैयार कर देंगे। अब इसी तरह से क्या है डेल भी लिखेंगे और डेल भी आप लिख लीजिए, दोनों में क्या डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर से और क्रमशः करेंगे डेल एक्स यहाँ पर हो जाएगा और डेल वाई यहाँ पर हो जाएगा। अब देखना यह है यू का पार्शली डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यू का पार्शली डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई, इसी तरह से वी का पार्शली डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड पार्शली डिफ्रेंशिएट करेंगे वी का विथ रिस्पेक्ट टू वाई। जब ये डिफ्रेंशिएशन करने पर सारे वैल्यू ला के इक्वेशन नंबर इस जैकोबाइन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा रिजल्ट होगा। आइए इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसिडर कर लेते हैं। अब नीचे से लिखेंगे देन डिफ्रेंशिएट ऑन इट्स वी गेट किसका डिफ्रेंशिएशन करना है, एक बार u का करेंगे तब उसके बाद v का करेंगे और यह रिस्पेक्टिवली x y के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो कितना हो जाएगा डेल u अपन डेल x इक्वल टू। अब देखिए डेल यू अपन डेल एक्स, अब यहाँ पे यू के वैल्यू कितना है वाई स्क्वायर अपन टू एक्स, ये वैल्यू लाके इसमें पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा डेल अपन डेल एक्स इन ब्रैकेट में वाई स्क्वायर अपन टू एक्स और बराबर कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर अपन टू एक्स। अब देखिए x के रिस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ पे y स्क्वायर और y जो 2 दिया गया ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट बाहर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा y स्क्वायर अपान 2 बाहर कर लेंगे तो यहाँ बचेगा डेल अपान डेल x और 1 अपान x। आप जानते हैं 1 अपान x का क्या होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, तो माइनस हो जाएगा y स्क्वायर अपान 2 एक्स स्क्वायर, ये हमारा डिफ्रेंशिएशन है। अब इसी तरह से क्या है u का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तब यहाँ पे लिखेंगे एंड डेल u अपान डेल y डेल अपान डेल y। अब देखिए u के पोजीशन पे क्या पुट करेंगे y स्क्वायर अपान 2x, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए y स्क्वायर अपान 2x ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए इक्वल टू। अब देखिए y के रिस्पेक्ट करेंगे तो इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है तो 1 अपान 2x ये कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा 1 अपान 2x, तो यहाँ बचेगा डेल अपान डेल y और यहाँ पे क्या हो जाएगा y स्क्वायर। जब y स्क्वायर का करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो कितना हो जाएगा 2y, इसको लिखेंगे 1 अपान 2x और डॉट क्या आ जाएंगे
टू वाई, दो से दो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा वाई अपान एक्स हो जाएगा। चूँकि एक्स का वाई का मल्टीप्लाई हमारा न्यूमरेटर में होगा, तो वाई का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करेंगे वन में, तो क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा अपान क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। अब इसी तरह से क्या है, वी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और वी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई, और डिफ्रेंशिएशन कैसा होना चाहिए, पार्शियली होगा। तो नीचे से लिखेंगे सिमिलरली डिफ्रेंशिएट ऑन इट्स वीगेट, डिफ्रेंशिएट ऑन इट्स वीगेट, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट वी का करेंगे तो कितना हो जाएगा डेल वी अपान डेल एक्स। अब आपको यह बताना है वी के स्थान पे क्या पुट करेंगे, देखिए वी के स्थान पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान टू एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा डेल अपान डेल एक्स एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर अपान टू एक्स, हो गया इतना। आप देखिए यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में हमारा क्या यक्स है, इसलिए क्या है वो न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर का यहाँ पे आप फार्मूला लगा देंगे, या तो ऐसे कर सकते हैं बिल्कुल दोनों समझौता करा लीजिए, तो इतने बट पान इतना कर दिए, इतने पान इतना कर दिए तो बिल्कुल छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं क्या है, डेल अपान डेल एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान टू एक्स, अलगौजी वाला नियम, एक्स स्क्वायर अपान टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपान टू एक्स, एक एक्स एक्स कट गया। अब क्या इसका आसानी से डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा इक्वल टू, ध्यान दीजिए जब इसका एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे डेल यू डेल वी अपान डेल एक्स इक्वल टू, अब इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे वो एक्स करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो वन हो जाएगा, यहाँ बचेगा वन बाई टू, और प्लस जब इसका करेंगे वाई स्क्वायर तो बाहर हो जाएगा, वन का करेंगे माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर तो लिखेंगे ये प्लस नहीं हो जाएगा, प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा वाई स्क्वायर अपान टू एक्स स्क्वायर, इतना डिफ्रेंशिएशन आप करेंगे तो बिल्कुल इतना आपको ऑप्टेन होगा। अब देखिए डेल वी अपान डेल एक्स की वैल्यू आपको आ गया, अब आपको निकालना क्या है डेल वी अपान डेल वाई क्या, तो यहां पर लिखेंगे एंड डेल वी अपान डेल वाई, तो डेल अपान डेल वाई अभी के पोजीशन क्या पुट करेंगे वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान टू एक्स, देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान टू एक्स, हो गया इतना, ये वैल्यू पुट कर दीजिए। आप देखिए ये हमारा न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में हमारा कहीं वाई नहीं है तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का कोई कॉन्सेप्ट लागू नहीं होगा। अब यहाँ पे करेंगे वन टू एक्स के बाहर कर लेंगे तो वन पॉइंट टू एक्स क्या हो गया बाहर हो गया, इस ब्रैकेट में आ जाइए एक्स स्क्वायर करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई और पार्शियल डिफ्रेंशिएशन हो गया तो जीरो हो जाएगा, वाई स्क्वायर करेंगे तो जीरो प्लस कितना हो जाएंगे टू वाई हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, दो से दो कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा वाई अपान एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या है डेल वी अपान डेल वाई इक्वल टू वाई अपान एक्स, वाई अपान एक्स हो गया। अब सारे वैल्यू ला के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए, लिखेंगे पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट वीगेट, इक्वेशन में फर्स्ट ये वैल्यू क्या है सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो देखते हैं कितना रिजल्ट आपको मिलता है। यहाँ पे आपको दे रहा है डेल यू भी अपान डेल एक्स वाई आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब इस तरह डिटर्मिनेंट आप बना लीजिए डिटर्मिनेंट बन गया, डेल यू अपान डेल एक्स की वैल्यू कितना माइनस वाई स्क्वायर अपान टू एक्स स्क्वायर, माइनस वाई स्क्वायर अपान टू एक्स स्क्वायर, हो गया इतना। अब देखिए डेल यू अपान डेल वाई की वैल्यू कितना है वाई अपान एक्स, तो यहाँ पर लिखेंगे वाई अपान एक्स,
अब देखिए, फिर उसके बाद डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू एक, देखिए यह वैल्यू पुट करेंगे, यह वैल्यू पुट करेंगे और इसके साथ साथ ये वैल्यू पुट करेंगे और यह वैल्यू पुट करेंगे, ये चारों वैल्यू यहाँ पे केवल सब्स्टिट्यूट करेंगे। तब देखिए डेल वी अपॉन डेल एक्स तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 दिया गया है, 1/2 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर हो गया। अब डेल वी अपॉन डेल वाई, वाई अपॉन एक्स है तो वाई अपॉन एक्स पुट कर दीजिए। अब देखिए करना क्या, आपको इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो आएगा वही आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो बराबर हम इसी लिख रहे हैं, बराबर देखिए इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, ये माइनस चिन्ह तो रहेगा, वाई स्क्वायर वाई वाई करेंगे वाई क्यूब हो जाएगा, एक्स करेंगे 2x क्यूब हो जाएंगे, और फिर बीच की साइन माइनस होती है और यहाँ पर लिखेंगे वाई अपान एक्स और इन ब्रैकेट में आ जाइए। ब्रैकेट में क्या हो, इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो ये 1/2 माइनस वाई स्क्वायर अपान 2x स्क्वायर है, तो यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर 1/2 माइनस वाई स्क्वायर अपान 2x स्क्वायर। देखिए आपको क्या बराबर बताते चले आए हैं कि जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये वाई जिसका जो कोएफिशिएंट होगा वो अंदर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। देखिए इस तरह से क्या हो जाएगा, माइनस वाई क्यूब माइन बराबर माइनस वाई क्यूब अपान 2x क्यूब। अब देखिए माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो माइनस 1/2 और इंटू वाई अपान एक्स हो जाएगा, और देखिए इसका गुणा अंदर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा आपका वाई क्यूब अपान 2x क्यूब। देखिए माइनस चिन्ह ये हमारा क्या है, प्लस चिन्ह है, तो माइनस चिन्ह और प्लस चिन्ह दोनों एकदम सेम क्वांटिटी है तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, बच रहा है क्या, माइनस 1/2 और इंटू वाई अपान एक्स, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। तो आज के इस वीडियो में हमने केवल पार्ट थर्ड में जैकोबाइन का ये क्या है, वह वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन था जो कि आपको बताइए परीक्षा में कई सालों से लगातार पूछते चला आया है, इसलिए क्वेश्चन बताना हमारे लिए बहुत जरूरी था। तो